लोग बहुत कमाते हैं, यानी तीन तीन चार चार लाख भी कमाते हैं जो लोग ये सारी वेबसाइट्स है जिन पे ये सारे जॉब्स पोस्ट होते हैं जहाँ पे, और अगर फिर वो अच्छा हुआ तो इट कैन एक्चुअली बिकम अ पैसिव इनकम सोर्स फॉर यू, क्योंकि आपने एक बार वो पोस्ट कर दिया उसके बाद आपको एक्चुअली कुछ नहीं करना इसी के। वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा जो वीडियो है वो एक स्लाइटली डिफरेंट टाइप का वीडियो है। इट इज नॉट रिलेटेड टू पेरेंटिंग बट डेफिनेटली ये मॉम्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस या ऑनलाइन पार्ट टाइम वर्किंग ऑप्शंस जिसको एक्सप्लोर करके आप लोग अपने लिए थोड़ी सी इनकम जनरेट कर सकते हो घर पे बैठे बैठे, या अपने लिए एक हॉबी डेवलप कर सकते हो, नई चीजें सीख सकते हो एंड थिंग्स लाइक दैट। ये वीडियो करने के पीछे का मेन पर्पज ये है कि मैंने जब मदर्स डे पे डोंट बी दैट मॉम करके एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें आई स्पोक अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है अगर आप स्टे एट होम मॉम हो तभी भी। और मुझे इतने सारे मदर्स ने रीच आउट किया वन ऑन वन, जिसमें उन्होंने शेयर किया उनका करंट सिचुएशन क्या है, कैसे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, क्या कुछ आइडियाज हो सकते हैं जो यू नो वो लोग ट्राई कर सकते हैं थिंग्स लाइक दैट। सो आई थॉट आई विल मेक दिस वीडियो ताकि आप लोगों के लिए ये यूजफुल हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले दो डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूँ। सबसे पहले, अगर आप ये वीडियो इस एक्सपेक्टेशन से देखने आए हो कि ये वीडियो में मैं आपको कोई एक मैजिकल ऑप्शन दे दूंगी जिसको आप परस्यू करना शुरू करोगे कल से और परसों से आपकी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। जब हम किसी भी चीज से इनकम जनरेट करना चाहते हो तो वी नीड टू एक्चुअली पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। यानी अगर मैं एक नॉर्मल चीज आपको समझाऊं तो जब आप एक नॉर्मल नौकरी ढूंढने जाते हो तो उससे पहले आपने 12 साल का नॉर्मल एजुकेशन, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद बहुत केसेस में पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी 15 से 17 साल की पढ़ाई लगाई होती है, तब जाके यू बिकम एलिजिबल फॉर अ जॉब। तो अगर हम वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस या कोई और ऑप्शंस देख रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें इतना ना सही, बट यू विल स्टिल हैव टू पुट इन सम वर्क इससे पहले कि आपको उससे एक डिसेंट इनकम जनरेट होना शुरू हो। दूसरी चीज जो ऑप्शंस मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें से मोस्ट ऑफ द चीजें मैंने किसी ना किसी लेवल पे ट्राई की हुई है, कुछ मैंने आगे परस्यू की, कुछ नहीं की। इसलिए नहीं कि मैं कभी भी एक्टिवली वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस देख रही थी, मैं जब से 20 साल की थी तब से मेरे पास हमेशा एक हाई पेइंग जॉब रहा है थैंक्स टू माई एजुकेशन, लेकिन एक साइड इनकम के सोर्स की तरह या यू नो जस्ट टू हैव अ बैकअप ऑप्शन, मुझे हमेशा ये आइडिया अच्छा लगा है कि मैं जो जो चीजें अवेलेबल है मार्केट में मैं उनको ट्राई करती रहूं एंड समथिंग इंटरेस्ट मी तो मैं उसको परस्यू करूं। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूं ताकि अगर आप में से कोई वर्किंग मॉम्स भी है जो परस्यू करना चाहते हैं इसमें से कुछ चीजों को जस्ट एज अ साइड इनकम सोर्स, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, इट इज वर्थ इट। हैविंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी उस ऑप्शन से जो मैं ऑब्वियसली अभी कर रही हूं, वो है यूट्यूबिंग या कंटेंट क्रिएशन। आप सब जानते हो कि इतने सारे यूट्यूबर्स आजकल, रोज नए नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं फॉर द सिंपल रीजन कि बहुत कम या लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ कोई भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता है। और ऑनलाइन वर्ल्ड इतना बड़ा हो गया है कि बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप का कंटेंट देखने के लिए आज तैयार है। इंटरनेट गांवों में भी पहुंच गया है, इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है कि यू नो इंडिया में तो इंटरनेट का बूम होना अभी शुरू ही हुआ है। सो यूट्यूब इज अ ग्रेट ऑप्शन। आपको सिर्फ एक नॉर्मल मोबाइल फोन चाहिए जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, बेसिक कुछ एडिटिंग स्किल्स जो आप 2-4 दिन में सीख सकते हो वो सीखनी है, और आपको एक टॉपिक डिसाइड करना है एंड देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। और जैसे जैसे आप वीडियो बनाना शुरू करते हो धीरे धीरे करके आप चीजें सीखते हो एंड यू गेट बेटर एट इट। अब आप में से काफी सारे लोग सोचते होंगे कि हम किस चीज में वीडियो बनाए, हमें कुछ ऐसा एक्सपर्टीज नहीं है हमारी किसी भी फील्ड में, तो और हर फील्ड के इतने सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी है तो क्या किया जाए। लेकिन अगर आप शांति से बैठ के लिस्ट बनाना शुरू करोगे तो आपको 20-25-50 आइडिया आएंगे जिसपे आप यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं। यानी लोग जो नॉर्मल कुकिंग, मेकअप, बेकिंग ये सारी चीजों से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं वो तो बनाते ही है, उसके अलावा रीजनल लैंग्वेजेस में वीडियोस काफी पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि अब गांव में लोगों ने देखना शुरू किया है। अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करते हैं जिसकी कुकिंग में आप एक्सपर्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर गुजराती और मुझे गुजराती डिशेज अच्छे से आती है, तो आप पर्टिकुलरली उस सेगमेंट को टारगेट करते हुए सिर्फ एक रीजन की डिशेज पे वीडियोस बनाना शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जैसे कि आप एक सीए हो तो आप सीए से रिलेटेड क्लासेस लेना शुरू कर सकते हो क्योंकि एंट्रेंसेस होती है इन सारे यू नो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो यू कैन स्टार्ट कोचिंग पीपल फॉर फ्री यूट्यूब पे। अगर आपको डीआईवाई एक्टिविटीज का शौक है तो आप डीआईवाई पे वीडियो बनाना शुरू कर सकते हो। तो बेसिकली स्काई इज द लिमिट। आपको अपना रिसर्च करना पड़ेगा, आपको एक हफ्ता 10 दिन लगाने पड़ेंगे समझने के लिए कि क्या क्या चीजें हैं जिसपे आपको थोड़ा सा नॉलेज है और जिसके लिए एक मार्केट अवेलेबल है, और फिर उस नीश को टारगेट करके आप वीडियोस बनाना शुरू कर सकते हैं। लाइक आई सेड, यूट्यूब एक ऐसी चीज है जहां पे आपको इमीडिएटली इनकम आना शुरू नहीं होगा, इनफैक्ट आपको काफी टाइम डिवोट करना पड़ेगा यूट्यूब के पीछे, उसके बाद आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट करना शुरू करोगे यूट्यूब से। सो आई ऑलवेज एडवाइस कि आप हमेशा ये टारगेट लेके चलिए कि मैं कम से कम 100 वीडियो बनाऊंगी बिफोर आई गिव अप, या मैं कम से कम इसको 1 या 1.5 साल कंसिस्टेंटली दूंगी बिफोर आई गिव अप। अगर आप उतना टाइम दोगे तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देखना शुरू करोगे एंड दिस कैन
कैन बिकम अ गुड इनकम सोर्स. एक बार आप यूट्यूब करना शुरू करो फिर आपकी जो नॉर्मल एड इनकम होती है उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम खुल जाते हैं आपके लिए. अगर आप चाहते हो कि मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो करूँ ऑन यूट्यूब और क्या क्या इनकम सोर्सेज हो सकते हैं थिंग्स लाइक दैट, तो डू लेट मी नो. यानी पर्सनली मेरी यूट्यूब जर्नी कुछ ज्यादा लंबी नहीं रही है, बट फ्रॉम वट एवर आई हैव लर्न ओवर दिस वन एंड हाफ ईयर्स मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ. मैंने बहुत सारे इनकम स्ट्रीम्स जनरेट की है फ्रॉम दिस चैनल, छोटी छोटी ही सही बट दे एड अप टू बिकम अ डिसेंट अमाउंट. तो अगर आप चाहते हो इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. अब आते हैं दूसरे ऑप्शन. ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि शायद कैमरे के सामने बैठ के यू नो चीजें बोलना इज नॉट समथिंग जो वो कंफर्टेबल है करने में, तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन है बिहाइंड द कैमरे का, स्पेसिफिकली अगेन फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन या यूट्यूब पर्सपेक्टिव. लाइक आई सेड आज हमारे कंट्री में ही हजारों ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, तो उनके पास टाइम नहीं होता कि वीडियो फिल्म करने के साथ साथ वो वीडियो से रिलेटेड बाकी की सारी चीजें जैसे कि एडिटिंग हो गया, जो थंबनेल्स बनाते हैं वो थंबनेल्स बनाने का काम हो गया, बहुत सारे लोग अपने वीडियोस के नीचे सबटाइटल्स लिखते हैं क्योंकि जैसे मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, अगर मेरे साउथ के यू नो व्यूअर्स है तो उनसे हमेशा मुझे रिक्वेस्ट आती है कि मुझे सबटाइटल्स डालने चाहिए इंग्लिश में ताकि वो लोग समझ पाए, लेकिन आई डोंट हैव द टाइम अनफॉर्चुनेटली तो मैं वो कर नहीं पा रही हूँ. तो सबटाइटलिंग होता है बिकॉज वेरी फ्रेंकली वीडियो फिल्म करना सिर्फ 20-30% ऑफ द जॉब है, बाकी का जो 60-70% टाइम होता है आपका वो एडिटिंग और ये सारी चीजें ले लेती है. तो ये सारा काम करने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स को हेल्प चाहिए होती है, इंटर्न्स चाहिए होते हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो. इसके लिए आपको कुछ कुछ बेसिक स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी. बेसिक वीडियो एडिटिंग आपको बहुत सारे फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, आप उस पर बेसिक एडिटिंग सीख सकते हो. आप जैसे थंबनेल्स बनाने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फोटोशॉप होता है, फोटोशॉप थोड़ा एडवांस है अगर वो आप नहीं ट्राई करना चाहते तो पिक मंकी या कैनवा, ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको आप आराम से यू नो अगर एक हफ्ता 10 दिन बैठ के उसके ट्यूटोरियल्स आप ऑनलाइन लोगे तो आप आराम से सीख सकते हो. अब ऐसी जॉब्स आपको मिलेगी कहाँ से? तो एक तो अगर आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम पे लोगों को फॉलो करते हो, तो जनरली यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स अपनी स्टोरीज पे ही डाल देते हैं कि यू नो आई एम लुकिंग फॉर अ हेल्प या आई एम लुकिंग फॉर एन इंटर्न टू डू एक्स वाई जेड. तो एक वो सोर्स हो सकता है, आप उनकी स्टोरीज को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा. दूसरा बहुत सारी वेबसाइट्स है, मैं नीचे लिंक्स भी छोड़ूंगी, जस्ट टू नेम अ फ्यू, अपवर्क, freelancer.in, ये सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे ये सारे जॉब्स पोस्ट होते हैं जहाँ पे पर आर बेसिस या यू नो प्रोजेक्ट बेसिस का जो काम होता है या इस तरह के इंटर्न्स का जो काम होता है वो सारी जॉब रिक्वायरमेंट्स पोस्ट होती है, तो वहां से आप इन जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हो. अगेन जब आप इसमें शुरुआत में काम करना शुरू करोगे, आप बहुत कम कोड करोगे तब हो सकता है आपको बहुत छोटे कुछ यूट्यूबर्स से काम मिलना शुरू हो, लेकिन दैट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो. एक बार आपका 6-8 महीने में पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, आपकी स्किल सेट भी डेवलप होगी, जैसे जैसे आप वीडियो एडिटिंग करना शुरू करेंगे या जो भी है वो सारी चीजें की स्किल सेट डेवलप होगी, उसके बाद यू विल हैव समथिंग टू शो और फिर आप बड़े जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको अप्रोच कर सकते हो. इसका ही एक एडवांस वर्जन होता है सोशल मीडिया मैनेजर, वो मैं अलग से मेंशन नहीं कर रही हूं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग या ऐसा कोई कोर्स कर चुके हैं या करने का सोच रहे हैं तो सोशल मीडिया मैनेजर इज अनदर ग्रेट ऑप्शन. हर किसी के पास टाइम नहीं होता कि अपने हर सोशल मीडिया हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सारी चीजों पे यू नो कंटेंट पोस्ट करे, उसके कैप्शंस लिखे, उसमें हैशटैग्स लगाए, फिर उनको स्टोरीज में पोस्ट करे, तो उनको अगेन इन चीजों के लिए हेल्प चाहिए होती है, तो उसके लिए उनको सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए होती है. तीसरा जो ऑप्शन है वो है वर्चुअल असिस्टेंट्स का. अब वर्चुअल असिस्टेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली हर कॉर्पोरेट को बहुत सारे असिस्टेंट्स या जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स कहते हैं, पर्सनल असिस्टेंट्स कहते हैं, उनकी जरूरत होती है. वैसे ही स्मॉल जो बिजनेसेस होते हैं उनको भी बहुत सारे असिस्टेंट्स की जरूरत होती है, जो बेसिक जो काम होता है कि कुछ कुछ मेल्स सबको भेजने हैं या उनके सीईओ के कैलेंडर को मैनेज करना है या एक्सेल शीट्स में कुछ कुछ डेटा मैनेज करना है या अगर कोई मीटिंग हो रही है तो उसके एमओएम यानी मीटिंग के नोट्स लेनी है. अब ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चाहते कि वो लोग एक डेडिकेटेड रिसोर्स को हायर करें क्योंकि उनको हायर अमाउंट ऑफ पैसे देने पड़ेंगे, उसके लिए एक सीट रखनी पड़ेगी अपने ऑफिस में, उनको लिमिटेशन आ जाएगा कि वो बंदा उसी जगह का हो तभी वो आ सकता है. यूजुअली जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या 3-4 लोगों वाले ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो ये चीजें आउटसोर्स कर देते हैं ऑनलाइन या वर्चुअल असिस्टेंट्स के थ्रू, जहां पे आप अपने घर पे बैठे बैठे ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हो. ये जॉब बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है ओवर द लास्ट 1 ईयर, स्पेशली लास्ट 2-3 साल में जो इतने छोटे छोटे बिजनेसेस ग्रो किए उसके चलते. अगर मुझे थोड़ा एक सिंपल एग्जांपल देना है तो फॉर एग्जांपल क्योंकि मेरी एक फुल टाइम जॉब है, आई माइट नीड समवन जो कि मेरा एक वीडियो का कैलेंडर मेंटेन करे, हर वीक में मुझे क्या क्या चीजें करनी है वो मुझे यू नो प्रोबेबली व्हाट्सएप करके बता दे कि ये 3-4 वीडियोस आपको शूट करने हैं आपने जो कैलेंडर मेंटेन किया उसके लिए, उसके पीछे का जो रिसर्च है वो करने में मेरी हेल्प करे. अगर मुझे कोई ईमेल्स आते हैं, जैसे मेरी वर्कशीट्स के लिए मुझे ऑर्डर के लिए ईमेल्स आते रहते हैं, तो उन मेल्स का रिस्पॉन्स देना, ये सारे जो काम होते हैं वो काम होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट के. ये मैंने मेरा एग्जांपल दिया, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस अलग अलग काम हो सकते हैं. इसका बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ बैठे बैठे आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर सकते हो. अगेन इसके लिए आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो उसकी कुछ लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी, सो यू कैन ट्राई दैट. चौथा जो ऑप्शन है वो है रीसेलिंग.
अगेन पिछले कुछ सालों में रीसेलिंग इज समथिंग जो काफी पॉपुलर हो गया है. बहुत सारी वेबसाइट जैसे कि मीशो आपने सुना होगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे आप रीसेलिंग कर सकते हो. तो यानी बेसिकली इसमें आप कोई प्रोडक्ट बना नहीं रहे हो, आप बस किसी और का बनाया हुआ प्रोडक्ट बेच रहे हो. और क्योंकि आप बेच रहे हो, आपको एक छोटा सा मार्जिन मिलेगा हर वो प्रोडक्ट बेचने पे. जैसे अगर आपको पता है कि दिवाली आ रही है, तो फिर आप दिवाली स्पेसिफिक आउटफिट्स अपने एंड पे बैठ के उसमें से शॉर्टलिस्ट करो जो जो आपको अच्छे लगते हैं वो, और फिर उनकी लिंक्स आप अपने सोसाइटी ग्रुप में या जो भी आपके ग्रुप से उनमें पास ऑन करो. और फिर उसमें से वो लिंक से अगर कोई कुछ खरीदता है तो उसमें से 1% आपको मीशो या जो भी आप जिसके भी साथ अफिलिएटेड है वो आपको देगा. आपको रीसेलिंग पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, एंड देन यू कैन साइन अप फॉर वन ऑफ दिस. पांचवा जो ऑप्शन है वो सिमिलर है, लेकिन उसको कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग. अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई प्रोडक्ट यूज करी जो मुझे अच्छा लगा है, फॉर एग्जाम्पल ये लिपस्टिक है जो मुझे काफी अच्छी लगी है, और अगर ये लिपस्टिक मैंने नायका से खरीदी है, तो मैं नायका के उस प्रोडक्ट की लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और अगर आप में से कोई जाके उसमें से खरीदता है तो उसका एक छोटा परसेंटेज मुझे मिलता है. अब आप कहोगे कि तब तो ये सिर्फ यूट्यूबर्स या यू नो जिनके पास एक ऑडियंस होती है उसके लिए ही वैलिड है. तो एक्चुअली आप अपना एक वेबसाइट बना सकते हो. आप गूगल पे देखोगे, आपको जब भी फॉर एग्जांपल आपको एयर कंडीशनर खरीदना है, तो आप हमेशा जाके सर्च करोगे कि बेस्ट एयर कंडीशनर्स या बेस्ट विंडो एसी, या फिर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ब्लॉग्स मिल जाएंगे जिसके अंदर हर एसी के आपको प्रोज एंड कॉन्स लिखे होंगे, उसकी लिंक छोड़ी होगी. तो ये सारी भी अफिलिएट लिंक्स होती है, उस पे जाके कोई भी क्लिक करता है और फिर वो खरीदता है तो उनको एक परसेंटेज मिलता है. यानी अगर एक 35,000 का एसी खरीदा है, उसमें से अगर 5% या 3% भी उनको मिल रहा है, तो उनके 1,500-2,000 रुपए एक सेल से ही बन जाएंगे. ऐसे अगर 10-12 लोग भी खरीद लेते हैं इन अ मंथ, तो उनकी एक ठीक ठाक इनकम बन जाती है इससे. तो ऐसी आप वेबसाइट्स बिल्ड कर सकते हो और फिर उस पर बहुत रेगुलरली आर्टिकल्स लिख के आप उस वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ा सकते हो. अगेन इसको होने में 6-8 महीने कम से कम लगते हैं, लेकिन एक बार आपकी वेबसाइट रैंक करने लगती है गूगल पे, यानी कि पहले पेज पे दिखने लगती है, तो बहुत हाई चांसेस है कि लोग उस पे जाके क्लिक करेंगे और उस पे आपने जो भी इनपुट्स दिए हैं वहां से क्लिक करके कोई चीजें खरीदेंगे. अगेन मैं ये सारे आपको आइडियाज दे रही हूँ, उनको डिटेल में आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा. आपको यूट्यूब पे बहुत सारा रिसोर्स मिल जाएगा, लेकिन आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अफिलिएट मार्केटिंग से लोग बहुत कमाते हैं, यानी 3-3, 4-4 लाख भी कमाते हैं जो लोग खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब का करते हैं. आप किसी भी चीज का कर सकते हैं. आपका मेकअप का शौक है तो आप मेकअप का, होम डेकोर का शौक है तो आप होम डेकोर का, यू कैन डू इट फॉर एनीथिंग. नेक्स्ट जो ऑप्शन मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है ट्रांसक्राइबिंग या ट्रांसलेशंस. यानी जैसे कि मैंने आपको कहा, सबटाइटल्स एक बहुत बड़ा फील्ड है. स्पेसिफिकली आप यूट्यूब को साइड में रख दो, लेकिन हर मूवी होती है, हर मूवी के नीचे आजकल सबटाइटल्स आते हैं. नेटफ्लिक्स पे इतने सारे शोज होते हैं, हर में सबटाइटल्स होते हैं. अगर आप वीडियोस वाला पार्ट छोड़ दो, तो आप अगर बाहर से जाके एक डिवाइस भी खरीदते हो, फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर आपने खरीदा, तो उसके साथ एक लीफलेट आता है जिसके अंदर हर लैंग्वेज में आपको समझाया जाता है कि उसको कैसे यूज करना होता है. तो ये सारे जो काम करने के लिए होते हैं, जिसमें ट्रांसलेशंस करते हैं फ्रॉम एक इंग्लिश लैंग्वेज में, उन्होंने सब्जेक्ट मैटर ब्रांड ने बना के दे दिया, उसके बाद हर लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन करना होता है, ये सारी जॉब्स यूजुअली आउटसोर्स करी जाती है, क्योंकि ये उनका प्राइमरी काम नहीं है. उनको सिर्फ एक या दो लीफलेट्स बनाने के लिए चाहिए, तो वो लोग एक एजेंसी को आउटसोर्स कर देते हैं जो आगे जाके फ्रीलांसर्स को आउटसोर्स कर देती है. यानी आपको ग्रामेटिकली करेक्ट 7वीं 8वीं के लेवल की भी कोई लैंग्वेज आती है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, गुजराती हो, विचएवर योर लैंग्वेजेस. तो बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेशन और ट्रांसक्राइबिंग जॉब्स अवेलेबल होते हैं. अगेन मैं नीचे लिंक्स छोड़ूंगी एक या दो ऐसी वेबसाइट्स की जहां पे जाके आप ऐसे जॉब सर्च कर सकते हो. ये यूजुअली आपको पर आर्टिकल बेसिस पे पे करते हैं, और अगेन ये आपका बहुत सारा टाइम नहीं लेते. यानी फॉर एग्जांपल माय डैड हु इज रिटायर्ड, हु एक्चुअली ये काम करता है एज अ पोस्ट रिटायरमेंट, यू नो, अपने आपको ऑक्यूपाई रखने का और थोड़ा बहुत इनकम कमाने का सोर्स की तरह. सातवां जो ऑप्शन है वो है डिजाइनिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग किसी भी तरह की. यानी ये सुनने में बहुत भारी भारी शब्द लगते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजों का डिजाइनिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर के नीचे अगर कोई एक छोटा सा फूड आउटलेट खुला है, तो उनको अपना मेन्यू डिजाइन करवाना होगा या अपना लोगो डिजाइन करवाना होगा. जो आपको ब्रोशर्स मिलते रहते हैं जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं, या यू नो किसी के भी इन्फॉर्मेशन बुकलेट्स होती है, उन सबको भी डिजाइन करवाने होते हैं ये सारी चीजें. अगेन इसके लिए वो लोग एक स्पेसिफिक बंदे को हायर नहीं कर सकते, उसको सैलरी नहीं पे कर सकते, क्योंकि ये 1-2 टाइम टाइप की चीजें होती है, तो ये आउटसोर्स करी जाती है. तो अगेन आप कुछ कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर अगर सीख लें, और ये सीखना मुश्किल नहीं है, यानी सुनने में बहुत लगता है कि अरे ये तो बहुत एक डिफिकल्ट काम है, लेकिन आपको ऑनलाइन इतने सारे कोर्सेज मिल जाए फ्री में भी और बहुत सस्ते में भी. थोड़ा सा आप टाइम देके 2 या 3 टूल्स सीखिए, फोटोशॉप, कैनवा, लाइक आई सेड, और आप ये सारी चीजें डिजाइन कर सकते हैं, और इन सारी चीजों के आपको ऑनलाइन जॉब्स मिल जाएंगे. सिर्फ इंडिया के ही नहीं, इंटरनेशनल जॉब्स भी, अगेन अपवर्क, फ्रीलांसर, ये सारी वेबसाइट्स है जो कि नीचे लिस्टेड है. इसके बाद जो आठवां ऑप्शन है वो है कंटेंट राइटिंग. यानी अगर आपको लिखने का शौक है किसी भी तरीके का, किसी भी लैंग्वेज में, तो कंटेंट राइटिंग जॉब्स बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं. क्या होता है कंटेंट राइटिंग, बेसिकली आप किसी ब्रांड के लिए कुछ आर्टिकल लिख के दे रहे हो फॉर वट एवर रीजन. यानी आप देखोगे कि किसी भी ब्रांड की वेबसाइट हो, चाहे एक नॉर्मल बैंक की भी वेबसाइट हो, वो लोग उसमें एक ब्लॉग सेक्शन होगा. अगेन फॉर एग्जाम्पल अगर आप नायका पे जाओगे तो ब्यूटी से रिलेटेड आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जोमैटो पे जाओगे तो आपको रेसिपीज या कुकिंग से रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे. रीजनल लैंग्वेजेस के भी ऐसे बहुत सारे कंटेंट राइटिंग जॉब्स होते हैं, और इन लोगों को यूजुअली
यूजुअली रोज का एक आर्टिकल या हफ्ते के तीन आर्टिकल इस टाइप का कुछ चाहिए होता है ताकि यू नो उनके वेबसाइट पे कॉन्स्टेंटली नया कंटेंट आता रहे और लोग वहाँ एंगेज रहे। इस टाइप के जॉब्स के लिए की भी कुछ वेबसाइट्स मैं नीचे छोड़ दूंगी। इसके बाद का जो ऑप्शन है उसके लिए आपको थोड़ा सा एक एक्सपर्टीज चाहिए हो, लाइक आई सेड आपने कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखी हुई है या अगर आप सीए हो या आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में काफी सारी चीजें पता है या अगर आप एक इंजीनियर हो या अगर आपको बेकिंग में इंटरेस्ट है, बेसिकली कोई भी चीज आपने थोड़े अच्छे लेवल तक अगर परस्यू की हुई है और आपका बेसिक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है तो आप जैसे यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो उसके बदले आप ऑनलाइन कोर्सेज बना के बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जहां पे ये पोस्ट कर सकते हो, जैसे यूडेमी हो गया, स्किल शेयर हो गया, ये सारी चीजें वहां पे आप एक कोर्स फॉर्मेट में पोस्ट कर सकते हो और उसका एक प्राइस लगा सकते हो 500 रुपए 700 रुपए। जो भी आके वो कोर्स खरीदेगा तो वो वेबसाइट कुछ परसेंटेज रख लेगी और बाकी का कुछ परसेंटेज आपको मिल जाएगा। इसमें यानी फोटोग्राफी हो गया, अलग अलग तरह का पेंटिंग हो गया, बेसिक चीजें यानी अगर ग्लूटेन फ्री रेसिपीज हो गई या डेयरी फ्री रेसिपीज हो गई, यू नो कोई आपको ऐसा एक नीश ढूंढना पड़ेगा उस पर आप कोर्स बना सकते हो, फिर पोस्ट कर सकते हो। ऐसे मल्टीपल कोर्सेज आप बना सकते हो और अगर फिर वो अच्छा हुआ तो इट कैन एक्चुअली बिकम अ पैसिव इनकम सोर्स फॉर यू, क्योंकि आपने एक बार वो पोस्ट कर दिया उसके बाद आपको एक्चुअली कुछ नहीं करना। इसी के अंदर एक छोटा सेगमेंट है जिसमें आप देखोगे कि फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब का यूज करके बहुत सारे लोग बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज भी बेच रहे हैं, यानी इन सारी वेबसाइट्स पे रिलाय किए भी, जैसे म्यूजिक क्लासेस हो गए, फोनिक्स के कोर्स हो गए, स्टोरी टेलिंग क्लासेस हो गए, बच्चों का अगर मैं एग्जांपल दूं तो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्लासेस, आपको बहुत सारी एड्स भी दिखती रहती होगी यूट्यूब वीडियोस के आगे, तो बहुत सारे लोगों ने ये करना भी शुरू किया। अगर आपके पास कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन है तो आप फर्दर ये भी कर सकते हैं। और लास्ट जो ऑप्शन है वो है ऑनलाइन टीचिंग, हो सकता है आप में से काफी लोगों ने एक्सप्लोर किया। आजकल काफी सारे ऑनलाइन ट्यूटर्स के जॉब्स आ रहे, क्योंकि एक अभी की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे लोग ट्यूशन में जा नहीं सकते, दूसरे अब बड़े शहरों में बहुत डिफिकल्ट होता है माँ बाप के लिए, खास करके अगर दोनों वर्किंग पेरेंट्स है, कि वो बच्चों को ट्यूशन भेजे कहीं पे या ट्यूटर्स को घर पे। इन दैट केस ऑनलाइन ट्यूशन एक बहुत बड़ा फील्ड बन चुका है, काफी सारे यू नो वेबसाइट्स आ गए हैं जिसके थ्रू आप एज एन ऑनलाइन ट्यूटर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एनरोल कर सकते हो और उस पर कोट कर सकते हो अपना पर आर रेट, और फिर आपकी क्वेरी से मैचिंग जब भी कोई क्वेरी आएगी तो आपको रीडायरेक्ट की जाएगी। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है जो आपको बेसिक ट्रेनिंग भी देती है, लर्निंग मटेरियल भी देती है और फिर आपकी लोकेलिटी की जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो आपको पास ऑन की जाती है और आप उनके घर जाके पढ़ाते हो या उनको अपने घर बुला के पढ़ाते हो। तो ये थे वो 10 ऑप्शन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसके अलावा जो मल्टी लेवल मार्केटिंग, ओरिफ्लेम और टपरवेयर, ये सारे जॉब्स तो होते ही होते हैं लेकिन आई एम नॉट टू श्योर कि ये कितने रिलायबल होते हैं, उसमें कितना इनकम बनता है। बट एक टिप मैं जरूर देना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी ऑनलाइन जॉब, डेटा एंट्री जॉब्स होते हैं, इन सब के लिए अप्रोच किया जाता है जिसमें आपको कुछ पे करना है अपफ्रंट और फिर कुछ टाइम बाद आपका इनकम जनरेट होना शुरू होगा, इस तरह की स्कीम है, तो आई वुड से ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम देम। मोस्ट ऑफ देम आर स्कैम्स, यानी कुछ कुछ होती है जो स्कैम्स नहीं होती लेकिन मोस्टली ये सारी स्कैम्स होती है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हम बचपन में जैसे वो स्टोरी सुनते थे टॉर्टोइज और रैबिट की, जहां पे टॉर्टोइज जीत जाता है जबकि रैबिट इतना फास्ट होता है, लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जो कंसिस्टेंटली ट्राई करता रहता है, धीरे धीरे ट्राई करता रहता है, वो यूजुअली कहीं ना कहीं पहुंचता है। भाग के आप एक जगह दो जगह पहुंच सकते हो लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा, तो पेशेंट रहिए, अपने आप के ऊपर थोड़ा टाइम और पैसा खर्च कीजिए, देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्रिएट अ लॉन्ग लास्टिंग सोर्स ऑफ इनकम फॉर योरसेल्फ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें से एटलीस्ट दो चार चीजें ऐसी है जो आप ट्राई कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। अगर लगा है तो प्लीज गिव इट अ लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब और मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।